सबसे बड़ा दलित विरोधी अगर कोई है इस देश में पार्टी, उस पार्टी का नाम है बीजेपी। उसका नेता हो, उसका प्रधानमंत्री हो, उसका गृह मंत्री हो, सब छलिया है। उसका भ्रम है, जनता को भावना को भड़का रही है। राम जो थे शाकाहारी थे, अब कौन क्या बोलते हैं कौन नहीं बोलते हैं उसकी भाषा उसकी है। बेरोजगारी पर बात करो, महंगाई पर बात करो, देश की जनता को भावना भड़काने की। सर आप कह रहे हैं कि महंगाई पर बात करो, आप ही एक गठबंधन के बड़े नेता एनसीपी के हो, कह रहे हैं कि भगवान राम जो है मांसाहारी थे, ये बात कहने की जरूरत क्या है? आप सबका एक बात सुनिए, पेड़ पर अनेक तरह की पक्षी बैठते हैं, उसका सबका भाषा अलग अलग होता है। अब कौन क्या बोलते हैं कौन नहीं बोलते हैं उसकी भाषा उसकी है। मेरा मानना है राम जो थे शाकाहारी थे, और गदबे कुचले को समता मूलक समाज बनाने के लिए उसको अब तक। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि आदिवासी की बेटी को हमने राष्ट्रपति बनाया, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? वो जुमला है उसका, हम कहते हैं सबसे बड़ा दलित विरोधी अगर कोई है इस देश में पार्टी, उस पार्टी का नाम है बीजेपी। उसका नेता हो, उसका प्रधानमंत्री हो, उसका गृह मंत्री हो, सब छलिया है। मंत्री जी, आप कह रहे हैं कि भाजपा ने कुछ नहीं किया, 80 करोड़ हिंदुओं के लिए वो राम मंदिर बनवाने जा रही है, और आप कह रहे हैं कुछ नहीं किया। एक बार राम सबके घट घट में व्याप्त है, राम सबके हम में तुम में खरे खरक काम में, सब जगह राम व्याप्त है। अगर राम नहीं रहता तो हम लोग पैदल चल सकते थे, एक मिनट बच सकते हैं। उसका भ्रम है, जनता को भावना को भड़का रही है, इसलिए राम मंदिर बनना बहुत अच्छी बात है। अयोध्या आप लोग भी जाएंगे जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है? भाई हम तो कबीर मत के लोग हैं, कसी मंदिर मस्जिद में जाएंगे। ठीक है हम कबीर मत के लोग हैं, हम किसी मंदिर मस्जिद में विश्वास नहीं करते हैं, हम गुरु पर विश्वास करते हैं, इसलिए हम आज तक बौद्ध धाम नहीं गए। ठीक हमको क्या कहिएगा।